Hi everyone, today I am going to discuss next lecture of interview question of casting. इसके पहले हमने अब तक 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं आपको. तो जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं अब तक तो देख लीजिएगा. और हमने वेल्डिंग का भी सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है, वेल्डिंग के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं. उसका पीडीएफ भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप चाहें तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ कोर प्रिंट? कोर प्रिंट क्या होता है ये पूछा जा सकता है. जैसे कि हमने कोर देखा, कोर क्या होता है, कोर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कोर क्या होता है. उसी तरह से कोर प्रिंट क्या होता है, तो कोर प्रिंट कोर से ही कंसर्न्ड है. एक्चुअली पैटर्न पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट प्रोजेक्शन टाइप का दे देते हैं जिससे कि पैटर्न पर, ताकि जब हम लोग मोल्ड कैविटी बनाए तो कैविटी में हमारा वहाँ पर कुछ प्रोजेक्टेड पार्ट बने जहाँ पर कोर जो हो वहाँ पर प्लेस हो सके, कोर इजीली वहाँ पर प्रॉपरली वहाँ पर प्लेस हो सके. इसीलिए हम लोग वहाँ पर पैटर्न में ही हम लोग कोर प्रिंट, जैसे ये अगर हम लोग पैटर्न है तो पैटर्न में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जैसे प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ये होता है कि ताकि अगर मोल्ड हमारा बने तो ये पोर्शन प्रोजेक्शन हम लोग को वहाँ पर मिले, तो ये मिले ताकि वहाँ पर हम लोग को कोर वहाँ पर इजीली प्रॉपरली प्लेस हो पाए. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोर प्रिंट. तो कोर प्रिंट देख लेते हैं. कोर प्रिंट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑन अ पैटर्न, मतलब पैटर्न जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, हम लोग अगर ऐसा पैटर्न है, अगर हम लोग को कुछ हॉलो पोर्शन बनाना है तो वहाँ पर पैटर्न में ही हम लोग कुछ प्रोजेक्शन दे देते हैं. तो ये जो प्रोजेक्शन दिया उसी को हम लोग कोर प्रिंट बोलते हैं. टू मेक रेस इन साइड द कैविटी, कैविटी अगर हम लोग को बनाना है, मान लीजिए कि ये कैविटी ऐसे हम लोग को बनाना है, साइड साइड से सैंड है, ये सैंड है और ये कैविटी है, अब पैटर्न हमारा ये है, तो इसको जो बोलते हैं उसको रेस बोलते हैं. और पैटर्न पर अगर हम लोग कुछ प्रोजेक्शन दे रहे हैं तो उसको हम लोग कोर प्रिंट बोलते हैं. तो कोर प्रिंट इज द प्रोजेक्शन ऑन अ पैटर्न टू मेक रेस इन साइड द कैविटी टू पोजिशन द कोर प्रॉपरली. कोर को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए, पोजिशन करने के लिए हम लोग पैटर्न पर कुछ प्रोजेक्शन पार्ट का यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वो कोर प्रिंट है. समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉडस्ट एंड वुड फ्लोर इन मोल्डिंग सैंड. मोल्डिंग सैंड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग सॉडस्ट या वुड फ्लोर यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है, क्यों हम लोग मिक्स करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. तो सॉडस्ट और वुड फ्लोर का हम लोग यूज़ करते हैं सैंड में या मिक्स करते हैं. सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है परमिएबिलिटी, उसको इम्प्रूव करने के लिए परमिएबिलिटी एंड कोलेप्सिबिलिटी को भी, या फिर हम लोग परमेबिलिटी को भी, बिकॉज परमेबिलिटी अगर हमारा सैंड का बेटर नहीं होगा तो उस केस में आपको गैस डिफेक्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं. तो इसलिए हम लोग सॉडस्ट सैंड में मिक्स करते हैं. या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परमेबिलिटी को इनक्रीज करने के लिए हम लोग मोल्डिंग सैंड में क्या मिक्स करते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना है. सॉडस्ट या वुड फ्लोर का यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई सॉडस्ट आप यूज़ कर ले या वुड फ्लोर आप लोग यूज़ कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोग, इसलिए दोनों तरफ तरीके से देख लीजिएगा कि परमेबिलिटी को इनक्रीज़ करना है. अगर हमारा सैंड है, सैंड का परमेबिलिटी को इनक्रीज़ करना है तो क्या हम लोग सैंड में मिक्स करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, सॉडस्ट या फिर वुड फ्लोर, ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पर्पस ऑफ यूज ऑफ कोल्ड डस्ट इन मोल्डिंग सैंड. कोल्ड डस्ट का यूज़ क्यों करते हैं मोल्डिंग सैंड में, पहले तो हमने देखा सॉ डस्ट, उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं आप कोल्ड डस्ट. तो कोल्ड डस्ट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं मोल्डिंग सैंड में, कोल्ड डस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग को कास्टिंग जो हम लोग ऑप्टेन करते हैं या फिर पोरिंग के बाद जो हम लोग मेटल सॉलिडिफाई करके मिलता है, तो उसका सर्फेस फिनिश बेटर मिल पाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर कोल्ड डस्ट अप्लाई करते हैं. टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के सर्फेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कोल्ड डस्ट का एक पेस्ट होता है, पेस्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं सर्फेस पर, ताकि हम लोग को जो सर्फेस फिनिश मिले वो हम लोग को बेटर सर्फेस फिनिश मिल पाए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिटिव्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि पहले हमने देखा सॉडस्ट, इसके पहले हमने देखा सॉडस्ट वुड फ्लोर, उसके बाद हमने कोल्ड डस्ट देखा. तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोल्ड डस्ट और सॉडस्ट अलग अलग है. सॉडस्ट और कोल्ड डस्ट, कोल्ड डस्ट मतलब कोल्ड का डस्ट हो गया, वो जो कोल हम लोग कोयला होता है उसका जो डस्ट होता है उसको हम लोग सरफेस फिनिश के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड इज इम्प्रूव्ड बाय मिक्सिंग. अगर हम लोगों को मोल्डिंग सैंड का हार्डनेस इम्प्रूव करना है या स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है तो क्या हम लोग सैंड में मिक्स करते हैं, तो सैंड में मिक्स करते हैं हम लोग लिंसिड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर हम लोग डेक्सट्रिन यूज़ करते हैं.
लेंसेड वायल यूज़ करते हैं या फिर हम लोग डेक्सट्रिन यूज़ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इसको अपोजिट तरीके से भी पूछ सकता है कि लेंसेड वायल और डेक्सट्रिन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग लेंसेड वायल या डेक्सट्रिन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, व्हाट इज़ मोल्ड वॉश। मोल्ड वॉश भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं कि मोल्ड वॉश क्या होता है। तो मोल्ड वॉश क्या होता है, जो हम लोग कास्टिंग के बाद जो हम लोग प्रोडक्ट मिल रहा है उसका सरफेस फिनिश बेटर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कोल का ही या कोल डस्ट का ही पेस्ट को अप्लाई कर देते हैं सरफेस पे, सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं जो हमारा मोल्ड कैविटी है उसके सरफेस पे साइड साइड से वॉल पे अप्लाई कर दिए, ताकि जो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है फाइनल कास्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है उसका सरफेस फिनिश बेटर हो। तो समझ लिया हमने, कोल्ड डस्ट का हमने एप्लीकेशन देखा था, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कि वो मोल्ड वॉश है। मोल्ड वॉश इज़ अ प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसका सरफेस फिनिश को इंक्रीज करने के लिए बाय यूजिंग कोल्ड डस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। पेस्ट के फॉर्म में हम लोग कोल्ड डस्ट लगा देते हैं जिससे कि हमारा सरफेस फिनिश इंक्रीज कर जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ स्प्लैश कोर इन गटिंग सिस्टम। स्प्लैश कोर में गटिंग सिस्टम में स्प्लैश कोर का क्या यूज़ है वो हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो स्प्लैश कोर कहाँ पर होता है आपको ध्यान में अगर होगा गटिंग एलिमेंट के बारे में, तो स्प्रू होता है, स्प्रू के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऐसे करके यहाँ पर एक स्प्लैश कोर लगा होता है जो कि अगर मोल्टन मेटल काफ़ी अगर हाई स्पीड के साथ आ रहा है तो यहाँ पर इरोजन से बचाता है, तो इरोजन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्प्लैश कोर। तो ध्यान में रखना है स्प्लैश कोर कहाँ पर यूज़ करते हैं, गटिंग सिस्टम में रहता है और इसका यूज़ क्या होता है टू रिड्यूस द इरोजन, इरोजन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्प्लैश कोर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हैवी इम्प्योरिटीज़ इन कास्टिंग इज़ रिमूव्ड बाय, जो मोल्टन मेटल है उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ हो रहा है, ज़्यादा हैवी इम्प्योरिटीज़ है अगर उसको रिमूव करना है तो उसके लिए क्या गेटिंग सिस्टम में पहले से लगा हुआ होता है। तो आप लोग ध्यान में होगा पोरिन बेसिन यहाँ पे होता है, पोरिन बेसिन के बाद फिर यहाँ पर स्प्रू होता है, तो स्प्रू के यहीं पर स्ट्रेनर लगा होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जाली टाइप का है, जिसको छन्ना बोल सकते हैं या स्ट्रेनर बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्ट्रेनर लगा होता है, तो स्ट्रेनर की हेल्प से ही हैवी इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं कास्टिंग में या मोल्टन मेटल में उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो स्ट्रेनर आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेनर का यूज़ हम लोग करते हैं हैवी इम्प्योरिटीज़ के लिए रिमूव करने के लिए। स्प्लैश कोर का यूज़ जिसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, स्प्लैश कोर का यूज़ हम लोग किस लिए किए, स्प्लैश कोर का यूज़ हम लोग किए यहाँ पर इरोजन को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाट इज़ कास्टिंग यील्ड, कास्टिंग यील्ड इज़ डिफाइंड है या फिर व्हाट इज़ कास्टिंग यील्ड। तो कास्टिंग में कास्टिंग यील्ड का यूज़ हम लोग करते हैं कि किस प्रोसेस का क्या कास्टिंग यील्ड है या मैक्सिमम प्रोसेस कौन सा है जिसका कास्टिंग यील्ड हाई है। तो कास्टिंग यील्ड क्या होता है, कास्टिंग यील्ड इज़ अ रेशियो ऑफ, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ अ वेट ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट या कास्टेड प्रोडक्ट टू द टोटल वेट ऑफ मोल्टन मेटल। जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है उसका वेट क्या है डिवाइडेड बाय टोटल जो हम लोग मोल्टन मेटल यूज़ किए, टोटल हम लोग मोल्टन मेटल जो यूज़ किए मोल्टन मेटल उसका वेट क्या है, तो इसको रेशियो को हम लोग बोलते हैं ये कास्टिंग यील्ड। बिकॉज जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मान लीजिए कि हम लोग मोल्टन मेटल को पोर किए तो वहाँ कुछ मोल्टन मेटल रनर में भी गया, कुछ मोल्टन मेटल राइजर में भी गया, तो कुछ मोल्टन मेटल जो सॉलिडिफाई हुआ उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ा। तो माइनल जो मेन प्रोडक्ट का वेट है और डिवाइडेड बाय टोटल जो हम लोग यूज़ किए मोल्टन मेटल उसका वेट, तो को हम लोग बोलते हैं कि वो कास्टिंग यील्ड है। रेशियो ऑफ वेट ऑफ कास्टिंग मतलब कास्टिंग का जो वेट है टू द टोटल वेट ऑफ मेटल पोर्ड, जो मेटल पोर्ड हुआ या मोल्टन मेटल जो पोर्ड हुआ टोटल वेट हो जाएगा, तो वो हमारा कास्टिंग यील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। रेशियो ऑफ वेट ऑफ कास्टिंग मतलब वेट ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ मोल्टन मेटल, टोटल वेट ऑफ मोल्टन मेटल, ये था कास्टिंग यील्ड, ये होता है कास्टिंग यील्ड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कास्टिंग यील्ड, कास्टिंग यील्ड जनरली 100% से नीचे ही होता है, या बोल सकते हैं 100% बहुत ही कम प्रोसेस है, मतलब प्रैक्टिकली तो 100% नहीं होगा, बट थ्योरेटिकली हम लोग बोलते हैं कि कास्टिंग यील्ड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का 100% है, बट प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं है, बट 100% बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के केस में 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड जो हम लोग सिलिका जो हम लोग ये सैंड यूज़ करते हैं जनरली जो सिलिका के फॉर्म में होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर कंपोनेंट देखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मोल्डिंग सैंड जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं उसका क्या कंपोनेंट उसमें क्या क्या होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो सिलिका होता है, सेकंड क्ले होता है, थर्ड वाटर होता है एंड फोर्थ एडिटिव होता है। सिलिका प्लस क्ले प्लस वाटर प्लस एडिटिव सब मिलाएंगे तभी हमारा वहाँ पर मोल्डिंग सैंड बनेगा।
या सिर्फ सिलिका भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो क्ले यूज़ करना पड़ेगा, और क्ले की बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन्हेंस करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, और फिर कुछ एडिटिव्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि हमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस का रिक्वायरमेंट है, कुछ सरफेस फिनिश का रिक्वायरमेंट है, परमेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से कुछ एडिटिव भी यूज़ करते हैं। ये सब कंपोनेंट्स हो गया सिलिका, क्ले, वाटर, एडिटिव्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज़ कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट यहाँ पर कंबाइन करके हो सकता है पूछ दे कि मोल्डिंग सैंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसका क्या आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। सबसे पहले रिफ्रैक्टरीनेस होता है, फिर परमेबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए, फ्लोएबिलिटी होना चाहिए। रिफ्रैक्टरीनेस मतलब हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाना चाहिए, परमेबिलिटी मतलब जो भी गैसेज वहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं उसको एस्केप कर पाना चाहिए, स्ट्रेंथ उस सैंड का स्ट्रेंथ अच्छा हो ताकि जब भी मोल्टन मेटल जब फोर्स उस पर लगाए तो वो ब्रेक नहीं कर पाए, हार्डनेस इरोजन को सस्टेन करना चाहिए, फ्लोएबिलिटी जब हम लोग उसको रैमिंग करें तो वो इजिली मोल्डिंग बॉक्स जो होता है वहाँ पर इजिली वो फ्लो कर पाए, उसको फ्लोएबिलिटी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस किया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं मोल्डिंग सैंड के। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, अब आपके रिविजन के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखा हूँ। श्रिंकेज अलायंस कंपनसेट, श्रिंकेज अलायंस किस चीज़ को कंपनसेट करता है, आप लोग को इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। हम लोग अलायंस यूज़ करते हैं डिफरेंट अलायंस, तो श्रिंकेज अलायंस क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या यूज़ है, कौन से श्रिंकेज को वो कंपनसेट करता है, लिक्विड श्रिंकेज को करता है या सॉलिड को करता है या लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को करता है, तो इसका राइट आंसर जो भी है वीडियो के कमेंट में आप लोग को कमेंट करना है। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।